हेलो गाइस, आज हम फोटोडायोड के बारे में पढ़ेंगे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूनिट 9th क्लास 12th के अंदर आता है। इसमें क्या होता है, फोटोडायोड, फोटो मतलब लाइट, लाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना फोटोडायोड का काम होता है। डायोड मतलब दो चीज़ों से मिलकर बना, PN जंक्शन से बना। ये वर्क करता है रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस में क्या होता है, पी मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव किससे कनेक्टेड हो, नेगेटिव से, और नेगेटिव किससे कनेक्टेड हो, पॉजिटिव से। ये रिवर्स हो गया ना, नेगेटिव पॉजिटिव से, पॉजिटिव नेगेटिव से। फॉरवर्ड में क्या होता, पॉजिटिव पॉजिटिव से, नेगेटिव नेगेटिव से। अब हम इसकी वर्किंग देखते हैं। सेंटर में क्या है, डिप्लीशन लेयर है, डिप्लीशन सेक्शन है। इसमें शॉर्टेज ऑफ चार्ज होता है, बहुत कम अमाउंट में चार्ज होता है। नेगेटिव में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स। पॉजिटिव में मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, होल्स होंगे। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे जाएंगे, पी टाइप के पास, यहाँ पे आए, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन गए वहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, पॉजिटिव। तो डिप्लीशन लेयर में क्या होगी, बैलेंसिंग ऑफ चार्ज होगी, प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो गए, सब कुछ न्यूट्रलाइजेशन हो गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती है, हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखिए। अब फोटोडायोड की वर्किंग देखते हैं हम, फोटोडायोड की वर्किंग कैसे होती है। लाइट फॉल होगी किस पे, डिप्लीशन रीजन पे, लाइट डिप्लीशन रीजन पे फॉल होगी। डिप्लीशन रीजन पे लाइट फॉल हुई, वहाँ पे क्या है, न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम पे लाइट फॉल हुई, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिली, इलेक्ट्रॉन्स बाहर चले गए, यहाँ पे क्या क्रिएट हो गए, होल, यहाँ पे क्या क्रिएट हो गए, होल। तो इसमें कंडक्शन हुआ, मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी आ गए, चार्ज आ गया, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज भी एक दूसरे के पास आ सकता है। लाइट आई, लाइट ने न्यूट्रल एटम पे स्ट्राइक किया, डिप्लीशन लेयर में लाइट आई, यहाँ पे न्यूट्रल एटम्स हैं उस पे स्ट्राइक किया, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिली, इलेक्ट्रॉन्स बाहर भाग गए, वहाँ पे होल क्रिएट हो गया, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्रिएट हो गए। तो ये स्पेस तो थोड़ा है, वो पॉजिटिव नेगेटिव फिर से पास आ सकते हैं, लेकिन उन्हें फिर से पास आने से रोकने के लिए क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, द बाप ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, ये सब चीज़ों को रोक लेता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स क्या करेगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव होता है हमेशा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव के पास चला जाएगा, जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ पे चला जाएगा, पॉजिटिव की तरफ, अपोजिट डायरेक्शंस में जाएंगे, और करंट जनरेट होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसका काम क्या है, ये कहाँ पे यूज़ होती है, ये हम जो LEDs होती हैं उनमें यूज़ कर लेते हैं कुछ में, इसको कन्वर्ट करने के लिए कुछ, बहुत सारी ऐसी स्पेशल चीज़ें जो सीधा डायरेक्ट लाइट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं, जैसे हमारे सोलर प्लेट्स हैं, वो वैसे अलग हैं, उसका टॉपिक अलग है, बट वो भी तो ऐसा ही काम करती है, लाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती हैं। तो इसमें ये था सिर्फ। थैंक यू गाइज़।